जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हो। आज दिनांक है 26 सितंबर 2024 और आज की वीडियो में सबसे पहले मौसम की बात करते हैं। कन्नौज और फर्रुखाबाद की बात कर रहे हैं। कन्नौज और फर्रुखाबाद में जो है 25 सितंबर को बरसात का माहौल देखा गया था। बरसात हुई भी थी लेकिन इतनी नहीं हुई थी जितना कि आप लोग समझ बैठे हो। बरसात ऐसी नहीं हुई जो कि आलू की बुवाई को रोक सके। आज भी आलू की बुवाई चल रही है। अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम अभी बादल छाए हुए हैं और लगता है कि आज शाम तक बारिश होगा। फिर यह भी लगता है कि इतना नहीं होगा जिससे कोई खास प्रभाव पड़ेगा। अभी फिलहाल में हम श्री कप्तान सिंह कोल्ड स्टोरेज के अंदर थोड़ा भ्रमण पे आए थे देखने के लिए कि यहाँ पर क्या कैसा सीन चल रहा है और आलू का क्या भाव चल रहा है। आपको साफ साफ शब्दों में बता देना चाहते हैं, आज हमें आप लोग ये बताइए कमेंट में कि कौन कौन सच्चाई को देखना चाहता है, सच कौन कौन देखना चाहता है और सिर्फ मुंह माया मतलब मुंह की और सुनने में कान की तेजी कौन देखना चाहता है, वो लोग भी कमेंट में बताओ भाई। क्योंकि मैं आप लोग केवल सच बताता हूँ, आपको लगता है ये गलत है। देखिए फिलहाल में आज भी हमारे पूरे कन्नौज की बात कर रहे हैं, हमारे पूरे कन्नौज में आलू की अगैती बुवाई होती है 10-15 सितंबर से, लेकिन इस बार बारिश के चलते आलू की जो बुवाई थी वो लगभग लोग 20-25 सितंबर से शुरू हो पाई है, लेकिन अभी बंद नहीं हुई है, हो रही है। लोग कह रहे हैं बरसात हो रही है लेकिन नहीं, बरसात भी हो रही है, बुवाई भी हो रही है। बरसात ऐसी नहीं हो रही जो बुवाई को रोक सके। और आगे भी बादल छाए हुए हैं, बरसात दिखा रहा है लेकिन ऐसी बरसात नहीं होगी लगता है कि ज़्यादा कुछ प्रभावित होगा आलू या आलू का भाव। लेकिन फिर कुदरत है, कुदरत चाहे जो भी कर सकती है। बारिश ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। और अब जो समय चल रहा ना, ये टोटल समय कुदरत के ऊपर है, बारिश के ऊपर है। अगर बारिश अच्छी होती है, आलू जैसे कि बुवाई लगभग लगो आपका 30% या 20% या 30% आलू का बुवाई हो जाता है और धमाकेदार बारिश हो जाती है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तब जाकर हो सकता है आलू के भाव में बदलाव आ जाए। वरना हमारे कन्नौज फर्रुखाबाद के, खासकर कन्नौज के किसानों के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारे कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं उनका लिमिटेड जो होता है ना, लगभग बड़ी मुश्किल से 31 अक्टूबर तक लिखत में होता है ये। लेकिन कोल्ड मालिक अच्छे होते हैं, उनके कोल्ड में माल ज़्यादा बच रहता है ना, तो वो लोग जो है 15 नवंबर या 20 नवंबर तक चले जाते हैं। ऐसे में जब कोल्ड स्टोरेज खाली हो रहे होते हैं तो मंडियों में आमदनी बहुत ज़्यादा भरपूर होती है। उस समय पे हापा दैया पड़ी होती है, मतलब कि यार मेरा बिक जाए, कैसे बिक जाए, औने पौने दाम बिक जाए। अभी जो आप लोगों को भाव मिल रहा है ना, वो कोई किसी तरीके से कम नहीं है। आप लोग थोड़ा पिछली साल पे जाइएगा, पिछली साल ध्यान कीजिएगा 250-300 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से दे रहे थे और किसी किसी को तो सिर्फ भाड़ा में ही देना था, चुका दिया, बस बात खत्म। अभी आप लोगों के पास समय पूरा का पूरा मान के चलो 1 महीना है। वो आप लोग प्लस जोड़ोगे कि यार इसमें भी टाइम है, उसमें भी टाइम नहीं, वो 1 ही महीना है। क्योंकि एक हफ्ता खार तो ऐसे चला जाता है जैसे कि आप जान भी नहीं पाओगे। तो अभी फिलहाल में आप लोगों को लग रहा है कि यार बारिश होगी तो भाव बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा बारिश होगी तब ना, लेकिन ऐसी बारिश हमें नहीं लग रहा है कि अब होगी जिससे अभी इतनी जल्दी भाव बढ़ जाए। तेजी का फायदा, तेजी का रिस्क लेना है तो आप लोग का जितना आलू है वो धीरे धीरे करके अभी इसी भाव में बेच लो और लगभग 10-15% छोड़ दो उस पर। तेजी का जो भी आप रिस्क लेना चाहते हो 10-15% पे रिस्क ले सकते हो, जिससे कि आपका जो है इधर पे जो आपका लागत मूल है वो मिल जाएगा और फायदा जो है उधर तेजी में मिल जाएगा, तो आपको वो करना चाहिए। अभी फिलहाल में क्या है आपको बता दें, बारिश हुई, बारिश में भाव बढ़ना चाहिए ये स्वाभाविक है, लेकिन भैया आज की मंडियों में पता कर लो, मंडियों की हालत बिगड़ी है। लोग जिस रेट पे आलू खरीद रहे हैं ना वो रेट मंडियों में नहीं मिल रहा है। चलिए यहाँ के रेट की बात करते हैं कोल्ड स्टोरों की, कन्नौज और फर्रुखाबाद की। कन्नौज में आपका न्यू हाईलैंड आलू जो है कोल्ड स्टोरों में 950 रुपए से स्टार्टिंग होता है और आमतौर पे 1050 रुपए प्रति पैकेट न्यू हाईलैंड आलू की बिक्री होती है
और बढ़िया जो होता है वीवीआईपी सुपर वो 1100 रुपये, 1100 रुपये प्रति पैकेट किसान का दाम। कोल्ड भाड़ा जो व्यापारी खरीदेंगे उनको स्वयं देना होगा। अब ये आपका 1100 में हुआ, इसमें आप 1200-1250 रुपये आपका पड़ा जाके, ठीक है, और 2500 रुपये क्विंटल तो ये यहीं पर पड़ रहा है और मंडी में बिक रहा है, कानपुर मंडी में आज का रेट है न्यू आइलैंड आलू का 2500 रुपये क्विंटल, और वो यहीं पर खरीदा है व्यापारी भाई ने। कमी ये भी है कि मंडी में वो माल पहुंचता है जो कि यहाँ कोल्ड स्टोरों में नहीं बिकता है, इस वजह से मंडियां दम नहीं भर पा रही हैं। हालांकि रेट सही है लेकिन मंडी में ऐसा माल पहुंच रहा है जो कि थोड़ा डैमेज है या सही नहीं है, इस वजह से मंडियों का रेट अच्छा नहीं मिल पा रहा है। तो कानपुर मंडी में आमदनी आज 30-35 मोटर की हुई। आलू का भाव न्यू आइलैंड आलू 2300 से लेकर के 2500 रुपये प्रति क्विंटल बिचा, और आपका हाइब्रिड आलू 2000 रुपये से लेकर 2300 रुपये क्विंटल बिचा, जिसमें आगरा वाला भी शामिल है, और आपका कंचन सिंदूरी 2100 से लेकर के 2300 रुपये में बिका, और इक्का दुक्का कोई जो है सिंदूरी बढ़िया है तो 2400 में भी बिक गया है। अदर अपने कोल्ड स्टोरों में यहाँ पर आपका हाइब्रिड आलू जो होते हैं वो बिक रहे हैं आपके 750 से लेकर के 850 रुपये, और कंचन सिंदूरी यहाँ पर बिकता है 850 से लेकर के 950 रुपये प्रति पैकेट। बाद बाकी आपके आलू की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, आलू की क्वालिटी अगर 700 वाली होगी तो 700 में बिकेगा, आलू की क्वालिटी अगर 900 वाली होगी तो 900 में बिकेगा, फिर आपकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। खासकर इस वीडियो में आप लोगों को अपडेट यही देना था कि आप लोग सोच रहे थे बरसात से कुछ ज़्यादा बदलाव होगा, बरसात से कोई खास बदलाव नहीं हुआ है और कोई फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ जैसे कि महाराष्ट्र मुंबई अदर जगहों पर जो बारिश हो रहा है उससे यहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर ठंडा हुआ है, मतलब माहौल थोड़ा ठंडा हो गया है और अदर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। बादल आज भी छाए हैं और हो सकता बारिश हो जाए, और भगवान आप लोगों की जो भावनाएं हैं तेजी की वो भी आप लोगों को दिखाए, लेकिन अभी फिलहाल में कोई खास बारिश नहीं है और लग नहीं रहा कि होगी, अगर होगी